बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको एक खबर से अपडेट कर दूंगा। जो मेरे भाई यहाँ सऊदी अरब से छुट्टी जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है जी, आपके लिए है इंशाल्लाह ताला। आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो से। सॉरी, सबसे पहले तो 1 फरवरी से आपको पता है जी, आपने बूस्टर शॉट नहीं ली तो आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा, बशर्ते कि सेकंड डोज लिए हुए आपको भाई 8 माह गुजर चुके हों। और इसके अलावा आप सरकारी इदारों वगैरह में अगर जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको, अगर आपको एलिजिबल हैं बूस्टर डोज के लिए तो आप लगवा लें। आपको 1 फरवरी के बाद सरकारी इदारों वगैरह में काम वगैरह करते हैं, वैसे जाना चाहते हैं तो आपको दाखिल नहीं होना दिया जाएगा, ठीक है जी। कहीं भी आप सरकारी इदारे, तलीमी इदारे, मार्केट्स वगैरह में आप जा सकते हैं जब तक आपका स्टेटस इम्यून है। जब आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा आप मार्केट्स वगैरह में भी नहीं जा सकते हैं। और स्टेटस आपका इम्यून भाई उस टाइम नहीं रहेगा जब आपको सेकंड डोज लिए हुए 8 माह गुजर चुके होंगे। अभी बात कर लेते हैं जो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर जाना चाहते हैं। इस न्यूज़ में भाई यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि तमाम तर एयरलाइंस के थ्रू सफ़र करने वाले भी सफ़र नहीं कर सकेंगे उस टाइम तक जब तक भाई उनका स्टेटस इम्यून नहीं रहे। यानी कि स्टेटस इम्यून है वो सफ़र कर सकते हैं, अगर स्टेटस इम्यून नहीं है उनका तवक्कलनामे तो आप भाई पाकिस्तान भी नहीं जा सकेंगे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, आपका तवक्कलनामे स्टेटस इम्यून होना लाजिम है। अभी चाहे आप इसके लिए PCR टेस्ट ही क्यों ना करवा लें अलहदा से, लेकिन आपका स्टेटस इम्यून होगा तभी आप पाकिस्तान की टिकट ले सकेंगे, वरना आपको टिकट ही नहीं मिलेगी। और अगर आपको 8 माह से ज़ायद का टाइम गुजर गया फिर आपका स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। बूस्टर शॉट की अभी अपॉइंटमेंट मिल रही है, मैंने भी लगवा ली है, आप अपॉइंटमेंट ले लें। आपको 5-7 दिन 10 दिन बाद की क्यों नहीं मिल रही, बुक करें, जाएं लगवा लें। अभी बेस्ट यही है, बूस्टर शॉट भाई आने वाले दिनों में लाजम से लाजम होती जा रही है।